वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं थोड़ा सा बाहर गई, इधर गांधीनगर पे एक नेशनल पार्क है, उधर जाके वीडियो लिए आप लोग के लिए और मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। उसके बाद जब घर आई तो देखा कि जो चीज़ एक घर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सब्जी, वो मेरा ख़त्म हो गया। तो मैं चली गई मार्केट। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ सब्जी लेने या फिर ग्रोसरी लेने, आजकल बहुत बहुत धूप पहुँचते हैं, चीज़ों के दम इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं सब कुछ। मतलब पोटैटो लेने जाओ, टमाटर लेने जाओ, प्याज लेने जाओ, भिंडी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं कि पहले जैसे मेरे से सिंगल रहने वाले हम क्या करते कि एक हफ्ते के लिए लाते सब्जी तो पहले 200 रुपये में हो जाते थे, पर आजकल तो जब भी मैं जाऊँ तब भी मैं अपसेट हो जाती हूँ। मतलब घर पे कुछ भी खत्म हो जाए तो बहुत दुख पहुँचता है। इवन ग्रोसरी भी तेल का दर कितना बढ़ गया है। आप लोगों को तो पता ही होगा श्रीलंका में इन्फ्लेशन के कारण कैसा हो गया है, देश पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। पता नहीं लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई होप कि इंडिया में ऐसा ना हो। और आप लोग भी पता ही है ना कि जो डेली ऐसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कितना प्रॉब्लम हो रहा है। पेट्रोल का दाम तो बढ़ते जा ही रहे डे बाय डे, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? मतलब कैसे रोक सकते हैं या फिर हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे? साला ये दुख का खत्म नहीं होता। इधर गांधीनगर पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि इधर चीज़ों का प्राइस कितना ज़्यादा होता है। इवन अहमदाबाद से भी इधर ज़्यादा प्राइस होता है। बट मैं एक सब्जी मंडी जाती हूँ जिधर 10-20 रुपया थोड़ा कम मिलता है, और हम लोग को अच्छा लगता है ना अगर हम लोग कुछ खरीदने जाए और थोड़ा सा कम भी मिले, क्वालिटी भी ज़्यादा हो और प्राइस भी कम भी मिले, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और रात को सब्जी और कम में मिलता है, ऐसा नहीं कि सूखा और ख़राब सब्जी मिले, अच्छा और ताज़ा सब्जी मिलता है उधर। थोड़ा सा एक क्लिप है, देख लीजिए, ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि बहुत ही क्राउड होता है उधर, और मैं कुछ बोलूं भी तो बैकग्राउंड साउंड के वजह से आप लोग को सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, जैसे मेरा प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। तो चलिए मार्केट खुलते हैं। सब्जी बाजार में फ्री में धनिया ना मांगे ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो मैं भी इधर मांग रही थी लेकिन दादी ने मुझे नहीं दिया।
तो कैसा लगा मेरे साथ मार्केट घूम के, कमेंट सेक्शन में बताएगा। और गाइस प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आप लोग का लाइक देती हूँ तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आने वाली वीडियो में अच्छा ऐसा कंटेंट लाने वाली हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।